नमस्कार दोस्तों, आरपीसी ओनली के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम तीन अध्यायों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो अध्याय, ये कक्षा 6 का 9वां अध्याय, विविधता में एकता। दोस्तों यहाँ से जो रिट के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट निकलता है वो है कि इसमें त्यौहार दिए गए हैं कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो जैसे बिहू त्यौहार है दोस्तों वो असम में मनाया जाता है, ओणम जो त्यौहार है वो अपने केरला में मनाया जाता है, जो पोंगल त्यौहार है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, गणगौर आप जानते हैं राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, और जो छठ पूजा है बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, और वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें बताया गया कि भारत, पहले टॉपिक का जो कह सकते हैं हेडिंग हुई है विविधता में एकता। तो पहले देखते हैं कि भारत में जो विविधता, कौन कौन सी विविधता, जैसे भौगोलिक विविधताएँ हैं, जैसे कहीं पर्वत हैं तो कई मैदान हैं, कई पठार हैं, कई रेगिस्तान हैं, कई बर्फीले स्थान हैं। इसके अलावा हमारा कल्चर भी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो वो डिफरेंसेस हो गया। अलग अलग आप कह सकते हैं आजीविका हैं, अलग अलग ग्रामीण भारत में अलग तरह की आजीविका है, शहरी भारत में अलग है। इसके अलावा भी और भी कई तरह की विविधताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ, वो कैसे बंधा हुआ है, एक तो भौगोलिक बनावट भी भारत की ऐसी है दोस्तों, अनोखी बनावट है। उत्तर पूर्व में जो हिमालय हमारी सीमा बनाता है, बाकी तीनों ओर जो महासागर हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, वो भारत की एक सीमा बनाते हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसने भी पूरा भारत एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, तो इससे भी हमारी एकता की जो परंपरा है वो विकसित हुई हमें। इसके अलावा जो संविधान बना उसमें भी तीन एक हैं, एकल संविधान यानी राज्य और संघ के लिए एक ही संविधान है, एकल नागरिकता अपनाई गई भारत में यानी राज्यों व संघ की अलग अलग नागरिकता नहीं जैसे कि अमेरिका में होता है। इसके अलावा जो न्यायपालिका है, भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो भी एकल है, जिसके उच्च स्तर पर, शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे अधीनस्थ जो न्यायालय है, वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें एक मतलब हाई कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और जो न्यायिक शक्तियों का विभाजन है वो नहीं किया गया है। इसके अलावा कल्चरल एकता भी है, चाहे वो पूरी भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, चाहे दक्षिणी भारत हो, सब में बड़ों का सम्मान करना, जीवों पर दया करना, ये भारतीय कल्चर का एक पार्ट है। इसके अलावा क्षेत्रीय रूप से भी हम अंतर्निर्भर हैं, एक दूसरे की मतलब ज़रूरतों को पूरी करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अध्याय 10 की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है ही नहीं इसमें, तो इसको हम पूरी तरह से स्किप कर लेते हैं। अध्याय 11 जो है वो सहकारिता से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, आपको ध्यान होना चाहिए कि 97वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में, उसके द्वारा जो सहकारी संस्थाएँ हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ था, इसको लेकर आरएसपी में क्वेश्चन पूछा गया। इसके तहत संविधान का जो भाग 9 है, 9 ख जोड़ा गया और सरकारी संस्थाओं को दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 19 है उसमें भी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, ऐसा 19(3) में जोड़ा गया। तो आप कह सकते हैं जो सहकारी संस्था हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सहकारिता होती है उसका जो मूल मंत्र होता है दोस्तों वो होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी आपस में सब मिलके जो कमज़ोर लोग होते हैं वो मजबूत बन जाते हैं एक साथ आकर। तो एक सबके लिए, सब एक के लिए और सबके हित में, ये इसका ध्येय वाक्य जो होता है वो होता है। इसके अलावा दोस्तों जो सहकार संस्थाएँ होती हैं उनका जो पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो सहकारिता डिपार्टमेंट में होता है। सहकारी संस्थाएँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे दोस्तों की कृषि सहकारी समिति होती है जो उपज वगैरह का मार्केटिंग इत्यादि करती है, दुग्ध सहकारी समिति गांव में आपको इजीली दिख जाएगी, ठीक है, काफ़ी लोग मिलकर दूध सहकारी समिति बनाते हैं, फिर उस दूध का है सप्लाई चैन पूरा निर्मित करते हैं। उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, साख व बचत सहकारी समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति। तो इस अध्याय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट यही था। इसके अलावा दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, और ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, तो ये लागू जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1987 को, ये तो भारत में लागू हुआ था, लेकिन विश्व में इसलिए जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 15 मार्च 1963 को अमेरिका में पहली बार जो उपभोक्ता अधिकार दिए गए, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो उपभोक्ता क्या होता है आप सबको पता ही है, जो भी व्यक्ति किसी वस्तु का या किसी सेवा का खरीदता है उसका क्रेता होता है, वो उपभोक्ता होता है।
इसके अलावा दोस्तों जो इसमें 3 तरह की शिकायत निवारण तंत्र बनाए गए हैं, इसमें हालांकि आंकड़े पुराने दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता मंच में आप 1 करोड़ रुपए तक की अगर आपको कोई वाद है आपका तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो वाद कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में आप 10 करोड़ से अधिक के जो मुकदमे हैं वो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जो कि दिल्ली में स्थित है, राज्य उपभोक्ता आयोग राजस्थान का जयपुर में स्थित है और इसकी शाखा जोधपुर में भी है। जिला उपभोक्ता मंच तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो उपभोक्ता हैं उनको कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि किसी वस्तु को चुनने का अधिकार, उस वस्तु के बारे में जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, मतलब उसमें क्या क्या उसमें कौन कौन से तत्व मिलाए गए हैं। इसके अलावा उससे सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपचार का अधिकार, या कई तरह के भांति भांति के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी RS मैथ्स के सिलेबस में शामिल है, तो वहाँ से थोड़ा सा कंटेंट हमने देख लिया। बाकी भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया, 1986 में आया था, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो 3 त्रिस्तरीय संरचना है तो वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।